हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडेय त्रिपाठी है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे हम पीडीएफ फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एग्जाम का फॉर्म भरना है, उसमें आप वो जो वेबसाइट है वहाँ पे लिमिट है कि हमें 500 KB या फिर 300 KB का ही फाइल चाहिए, और आपके पास जो पीडीएफ फाइल है वो 700-800 KB फाइल है। तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर, वो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे एक वेबसाइट आपको शो रही है, www.ilovepdf.com। आप इस पे आना है। इस पे आने के बाद आपके सामने ऐसा एक पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो रहा होगा कंप्रेस पीडीएफ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सेलेक्ट पीडीएफ फाइल आ रहा है। आप अपने कंप्यूटर पे यहाँ पे देखिए सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, आप अपने कंप्यूटर में जहां पे भी पीडीएफ फाइल रखे होंगे उसको अपलोड करना होगा। तो मैं सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है टू, यानी कि ये दूसरा है, इसको इसका जो साइज है 660 KB है, मुझे इसको कंप्रेस करना है, कम मिलाना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आप मेरे सामने शो रहा है कंप्रेस पीडीएफ, देखिए यहाँ पे कंप्रेस पीडीएफ, इस पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद से ये क्या करेगा, अपलोड होके ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। तो ये प्रोसेसिंग आपके सामने स्टार्ट हो गया है, 660 KB का है। अब ये ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट होके डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये प्रोसेसिंग इसका हो रहा है। देखिए ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया और नीचे देखिए डाउनलोडिंग हो गया। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये टू वाले को डाउनलोड भी कर दिया। तो इस तरीके से अब हम चेक करेंगे कि कितना इसका साइज हो गया है। हम ओपन फाइल पे आएंगे, 660 KB का फाइल था, अब ये 215 KB हो गया। यहाँ पे आप देखिए 215 KB का ये फाइल हो गया। तो आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और कितना भी बड़ा साइज हो उसको आप कंप्रेस करके उसको कन्वर्ट करके कम साइज में कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।